नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष आईटी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं कि एक इंजन को बनाने में, इंजन ओवर हॉलिंग करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या क्लियरेंस होते हैं। और तो मैं उन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली ये ले चल के दिखाऊँगा। तो आज मैं इस वीडियो में आशा करता हूँ कि टैपिट सेटिंग से लेकर के हर कुछ मैं आपको इजी वे में बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आपके साथ और हम आज आपको एक ओवरहीट इंजन का प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेक करनी रहती है। अब इसमें लाइनर में ऑयल लगाया गया, सॉरी ब्लॉक में, और ये लाइनर लिंक पे, ये जहाँ तक यूज करो आप खाने वाला ऐड यूज करो, वहाँ से हटाना भी है, एक कोने में रखना है। और अभी हम लोग सारा लाइनर डाल देते हैं, ये भी लाइनर लग गया, हल्का सा अपर है तो इसको ठोक दिया जाएगा। लकड़ी का गुटका लगाएं, ऐसे डायरेक्ट उस पर हिट ना करें। तो अभी आप देख पाओगे हमने तीन लाइनर को ठुकवा दिया, चार, ठीक है। तो ये हो गया और एक नंबर टोक, फिर हम लोग इस पर पिस्टन डालेंगे। इसमें कभी भी यूज़ करें तो खाने वाले ऑयल का यूज़ करें, लाइनर बोरिंग में, ठीक है। कभी कभी टाइट हो जाता है तो लकड़ी का गुटका का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये अपना लाइनर में रिंग डल गया, सॉरी ब्लॉक में लाइनर डल गया। अब हम लोग इसमें पिस्टन डालेंगे, दिखा देते हैं। ये हो गया दो, ये अपना तीन, थोड़ा सा मनोज को फ्री करेंगे, मनोज को चलते हैं पिस्टन। जैसे इससे अपना कनेक्टिंग रोड देख रहे हो, इसमें ये अपना मक्की जो है, ये किलोस्कर इंजन में ये केम साइड रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पिस्टन में दिखाता हूँ आपको कि पिस्टन में क्या चीज़ ध्यान है। ये देखो केम का मतलब है यहाँ से अपना पुश रोड चलेगा और उधर देखो अपना पंप लगा हुआ है, ठीक है। तो इधर अपना जब भी आप कौन रोड डालेंगे तो आपका जो ये मक्खी रहेगा वो रहेगा। अगर किसी भी मान लो कि किलोस्कर इंजन में चांद भी आता है तो चांद वाला भी रहेगा तो इस साइड में रहेगा, ठीक है। ये जो पिस्टन होता है आप देखना, इधर जो ज़्यादा स्पेस है ये अपना केम साइड रहेगा। किसी भी इंजन में इधर इंजेक्टर रहेगा, इंजेक्टर साइड में ये पतला वाला रहता है, पतला देखो इसका देख लो और इसका देखो, तो ये इंजेक्टर साइड में वो रहेगा। पिस्टन भी आपका उल्टा नहीं होगा अगर ये देख करके आप लगाओगे तो, और ऐसे भी यहाँ पे तीर देखा रहता है, ठीक है। ये एग्जॉस्ट साइड रहते हैं। अभी रिंग का पोजीशन आपको मैंने बताया, अभी वन एक यहाँ रख लो, एक यहाँ रख लो, एक पीछे रख लो, ठीक है। जैसे अभी आप देख लो रिंग का पोजीशन किया जा रहा है, तो देखो जस्ट एक यहाँ डल गया, ठीक है। दूसरा यहाँ हो गया आयल रिंग, गोटी तो है यार, हंडी मंडी है ही नहीं। उधर से अपना हो गया एक दो तीन, तो ये वाला थोड़ा सा और इधर, ये गजल पिन के ऊपर कट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये पिस्टन को कैलिपर से जाम किया जाएगा और इसको कंप्रेस करने के बाद, एक्चुअली में ये टूल को बोलते हैं रिंग कंप्रेसर, अभी मैंने डाल दिया। अब इसको क्या यार रिंग को कंप्रेस किया, रिंग को कंप्रेस करने के बाद का पूरा 1040 इंजन है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, अब इसको यहाँ से अब अपना जो लॉक किया जाता है उसको निकाल दिया गया, पिस्टन आ गया, तो पिस्टन है। अब इसको सेंटर देखिएगा, अब इसको डाला जाएगा। लकड़ी का गुटका ले लो, नायलॉन का हैमर ले लो, ठीक है। यहाँ पे इसको किया जाए, ठीक है मनोज, ठीक है।
कभी भी इसको जो टाइप आप टाइट करते हैं कंप्रेसर किधर टाइट करना देखिए देखिए ठीक है मारे ऐसे रिंग डाला जाता है ऐसे करके बढ़ा दे चारों डल जाएगा और एक जैसे डल गया ऐसे ही चारों डलते हैं तो आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊँ इसमें वैसे आप चारों रिंग डाल लेंगे उसके बाद जो मेन टॉप टॉप चीज़ें होंगी उनको मैं दिखाऊँ अपना हेड गैस्केट है और इसको बिठाया जाएगा चारों पिस्टन डालने के बाद जस्ट अभी इसको देखो गया इसको डुप्लीकेट लगाया गया डुप्लीकेट लगाने के बाद हेड गैस्केट को बिठाया जाएगा ठीक है हेड गैस्केट में टॉप जो लिखा रहेगा ऊपर की तरफ रहता है निकल पे इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है और इसका सील फटा नहीं होना चाहिए लग गया तो इसके ऊपर हेड बिठाया जाएगा तो कभी भी इंजन ऑयल कहीं प्रयोग करें जिसमें एयरो लाइट वगैरह नहीं लगा ठीक है हेड पे टॉर्क दिया जा रहा है कभी भी आप काम करो टॉर्क से भरोसे पे हाथ के भरोसे पे काम नहीं करने का ताकि उसमें परेशानी हो जाता है ठीक है अब इसके बाद टैपेट सेटिंग अब होगा इस इंजन का रॉकर लगा के तो पहले तो दिखा देता हूँ टॉर्क हो गया ठीक है कंफ्यूज नहीं होता अपना रॉकर कब रॉकर आर्म असेंबली कसा जा रहा है इस पर ठीक है पुश रट डाला हुआ है और उसके बाद टैपेट मिलाया जाएगा लॉस्कर में अपना इधर से एक नंबर सिलेंडर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर ऐसे लिखा हुआ भी एक नंबर दो नंबर तीन नंबर और चार नंबर ठीक है तो ऐसे लिखे रहते हैं और ये आपको कैसे पता चला कि ये टॉप में है ठीक है तो उसके लिए देखो एग्जॉस्ट वाल्व अपना जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपने बताया है आपको बताया है जैसे ये एग्जॉस्ट वाल्व दो नंबर का अगर दबता है तो ये एक नंबर आपका टॉप में होता है ठीक है तो जैसे एक नंबर का हम अभी टैपेट सेट कर लेंगे और जब एक नंबर का एग्जॉस्ट वाल्व दबेगा तो हम उसका तीन का ये वाले का मिलाएंगे ठीक है तो अभी एक एक करके तो जब भी हमारा एग्जॉस्ट वाल्व दो नंबर का दबा हुआ है तो हम पहले एक नंबर का टैपेट सेट कर लेते हैं फिर तो उसके हम आगे चलते हैं अपना एक नंबर का टैपेट सेट हो रहा है ठीक है क्योंकि इसका जो है ये वाला दो नंबर का एग्जॉस्ट वाल्व दबा हुआ है तीन चीज़ों का आप ध्यान रखें इसी में मैं क्योंकि मैंने जब पहले 360 वाला बना करके दिया था वीडियो तो उसमें क्या है कि काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो उसके बाद भी मैंने दो तीन वीडियो और भी दिया है तो ऐसे करके आप इजी वे में आप टैपेट सेट कर सकते हो किसी भी इंजन में ठीक है ना कंप्लीट हो गया ठीक है एक सिलेंडर का टैपेट हो गया अब हम लोग इसको घुमाएंगे हम लोग पंखा के जरिए ठीक है जब अपना एग्जॉस्ट वाल्व एक नंबर का हमें टैपेट भी मिला है इसी का जब एग्जॉस्ट वाल्व दबना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका अगले फायरिंग वाइडर का हम लोग मिलाएंगे ठीक है ना तो अभी दबना स्टार्ट होगा थोड़ी देर में अभी दबना स्टार्ट हो गया ठीक है
ये दब गया, ठीक है। तो हम तीन नंबर का इसके बाद मिलाएंगे, ठीक है। अब तीन नंबर का टेपेट सेट करेंगे, सबसे आसान तरीका ये इंजन पे टेपेट सेटिंग का है कि आप इसको तो कभी भूल ही नहीं पाओगे कि जैसे अगले का फायरिंग ऑर्डर का जिसका हमने टेपेट मिलाया उसी का जब एग्जॉस्ट बल्ब दबने लगे तो उसके अगले फायरिंग ऑर्डर का आप मिला दो, ठीक है। ये चार सिलेंडर का इंजन है, ये किलोस्कर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला इंजन है एच ए सीरीज के बाद 4R, ठीक है ना। इसका अब अपना टेपेट सेट हो गया, अगर आपको हमारा वीडियो ये वाला अच्छा लगता है तो एक मैंने पहले भी टेपेट सेटिंग का, अगर आप इंजीनियर हो और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक और वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप जा कर के देखेंगे टेपेट सेटिंग का, तो उसमें आपको सारा A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना तीन नंबर का भी हो गया, तब फिर घुमाएँगे और ले कर चलेंगे कहाँ, जब इसका एग्जॉस्ट बल्ब दबना स्टार्ट होगा तीन नंबर का, तो पंखा से घुमा रहे हैं, ठीक है। जो तीन नंबर का एग्जॉस्ट बल्ब दबना स्टार्ट होगा, अब देखो धीरे धीरे अपना एग्जॉस्ट बल्ब ऊपर की ओर आ रहा है, देखो हो गया जस्ट आ रहा है, ये देखो आ गया, ठीक है। तो अब चार नंबर का मिलाएंगे क्योंकि इसका फायरिंग ऑर्डर जो है 1342 है, ठीक है। सबसे आसान तरीका है ये टेपेट मिलाने का, ठीक है। तो ऐसे आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला चीज़ है और सब लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसीलिए मैं काफ़ी वीडियो अभी टेपेट सेटिंग के ऊपर मैंने दिया है, तो ऐसे करके आप इजी वे में आप ये टेपेट मिला सकते हो किसी भी इंजन का, ठीक है ना। तो जिसका ये ध्यान रखना कि फायरिंग ऑर्डर से जिसका आपने फायरिंग मिलाया अभी मिलाया उसके आगे का हम जब ये बल्ब एग्जॉस्ट बल्ब दबना लगे तो उसके आगे वाले को हम मिलाते हैं। अगर हमने चार का किया है, चार का करेंगे तो फिर हमने दो का मिलाना होगा, ठीक है। हेलो, हाँ ये देखो अभी मैंने ये चार नंबर आपका कंप्लीट हो गया, तो अब इसके बाद में घुमाएंगे और दो नंबर सिलेंडर अब अपना जैसे चार नंबर का एग्जॉस्ट बल्ब दबना स्टार्ट होगा तो दो नंबर अपना टॉप में आएगा, ठीक है। देखना ये चार नंबर का एग्जॉस्ट बल्ब उठना स्टार्ट हो गया, देखिए ये वाला एग्जॉस्ट बल्ब उठने देखो दबा, हाँ तो अब ये दो नंबर टॉप में आपका आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप इजी वे में टेपेट मिलाएं, कोई आपको परेशानी होती है और भी कोई दूसरे तरीका से आप सीखना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारा वीडियो अपलोड है, उसमें आप जाकर के देखेंगे तो मैं तीन चार टाइप से एक एक इंजन का टेपेट मिलवाता हूँ, और इसलिए थोड़ा सा ये रहता है कि मैं क्योंकि एक ही इंजन पे ज़्यादा मिलवाने से होता है क्या कि थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाती है, थोड़ा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है, इस वजह से थोड़ा छोटा छोटा मैं देता हूँ, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अभी ये भी आपने इस प्रकार से आपका चार नंबर कम्प्लीट हो गया, अब दो नंबर भी टेपेट सेटिंग कम्प्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको चेक करा दूँगा एक बार इसको, फिर मैं दो नंबर का जैसे एग्जॉस्ट बल्ब दबेगा तो एक नंबर अपना टॉप में आएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं घुमाता हूँ इंजन को, उसके बाद दिखाता हूँ, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक बार आपको चेक करा देते हैं केवल जब दो नंबर का बल्ब दबेगा एग्जॉस्ट बल्ब जैसे सेम पोजिशन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो पोजिशन आपका आ जाएगा कि देखो जैसे ये दो नंबर हमने यहीं से स्टार्ट किया था आपको करवाया था, ठीक है। तो जैसे ये दब गया ये तभी अपना एक नंबर टॉप में आ गया, ठीक है। इसको चेक, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही आसान तरीका है, आशा करते हैं कि आपको टेपेट सेटिंग क्लियर हो गया होगा। अभी इंजन को स्टार्ट करके भी आपको दिखाते हैं, ठीक है।
हमने आपको इंजन ओवरहॉलिंग की प्रैक्टिकल दिखाई। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो वीडियो होता है मैं आप लोगों के बीच में शेयर करते रहता हूँ, तो आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।